हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको कोई भी अगर टूरिस्ट एरिया पर जाते हैं तो वहां पर आपको क्या क्या चीज़ को आपको माइनर रखना पड़ता है और ध्यान मेजर होता है, उसको आप कैसे तरह से आप डिजाइन करेंगे और क्या क्या मेन फैक्टर है और टूरिस्ट एरिया पर आपको क्या क्या मैनेज करना पड़ता है, कैसे पार्किंग किया जाता है और अगर केबल कार है तो केबल कार में भी क्या कैसे किस किस बात को ध्यान दिया जाता है, इसके बारे में पूरे डिटेल में बताऊँगा। सो लेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं, ये नीचे वाले जाने के लिए डायरेक्ट नीचा बनाया गया हुआ है। तो ये माउंटेन एरिया में है जहाँ पर मनोकामना माता जी का दर्शन करने जा रहे हैं दर्शन अभिलाषी सब। तो वहाँ पर पैदल यात्री के लिए नीचे से बनाया गया हुआ है स्टेप बाय स्टेप और डायरेक्ट नीचे उतार दिया गया है, जिसके कारण से 2-3 मिनट में ही नीचे जा सकते हैं। पर साइड से बनाया है जो बस सब जाएगा, तो उसके बस और 4 चक्का होता है उसके जाने के लिए साइड से बनाया गया हुआ है वहाँ पर जाने के लिए। तो बस वाले वे से जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट लग सकता है। तो इसीलिए पैदल यात्री सबके लिए डायरेक्ट नीचे स्टेप बाई स्टेप बनाकर नीचे ले गए हैं। तो देख सकते हैं, ऐसे आपको रेलिंग भी प्रोवाइड करना पड़ता है अगर आप माउंटेन एरिया में अगर किसी भी तरह का टूरिस्ट एरिया बना रहे हैं तो सेफ्टी के लिए। और एक बात आपको ध्यान देने वाले ये बात है कि अगर आप कोई भी टूरिस्ट एरिया बना रहे हैं तो वहाँ पर ब्रिक वर्क नहीं होता है। आप कभी भी देखे होंगे, कहीं पर गए होंगे, तो मैक्सिमम आपको 99% आपको स्टोन मेसनरी वर्क मिलेगा, क्योंकि स्टोन मेसनरी वर्क ये शो करता है कि एंशिएंट टाइम का है, अर्थात बहुत ही पहले का ये कल्चरल व्यू है इसीलिए, और देखने में भी अच्छा लगता है। तो आप जब भी किसी भी तरह का कल्चरल या टूरिस्ट एरिया पर अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो स्टोन मशीनरी का काम करिएगा। और देख सकते हैं, इधर से पैदल यात्री के लिए थे और यहाँ से 4 चक्का और बस के लिए बनाया हुआ है। तो ऐसे आपको मैनेज करना पड़ता है और साइड साइड में आपको पार्किंग तरह का पार्किंग डिजाइन से और घास बोट बिरुआ और फल फला फल सब और फल फूल से भी लगाना पड़ता है पार्किंग के जैसे डिजाइन करके, जिसके कारण से अट्रैक्टिव व्यू भी और भी अच्छा है। अगर एस्थेटिक व्यू अगर आप अच्छे नहीं बना पाए तो टूरिस्ट एरिया फेल हो जाता है, क्योंकि मेन आदमी आता है वहाँ पर दर्शन करने और सेल्फी ताने। तो वहाँ पर आपको अट्रैक्टिव बनाना बहुत ही बात ध्यान में रखना पड़ता है और यूनिक टाइप का बिल्डिंग सब बनाना पड़ता है और पार्किंग में भी एज फार एज पॉसिबल अगर आप यूनिक बना पा रहे होंगे तो यूनिक ही डिज़ाइन करना चाहिए आपको। तो देख सकते हैं, स्टोन मेसनरी का ही काम है। यहाँ से दोनों साइड से आदमी जा सकते हैं नीचे। तो अभी जाएंगे हम सब मेन जहाँ पर चेकिंग होगा और चेकिंग करके अंदर जाने देगा। तो टिकट कटा लिए हैं हम सब और बाहर भी आप टिकट कटा सकते हैं, वरना आपके पास ई सेवा है तो ई सेवा से आप कटा सकते हैं। ये नेपाल का जो मनोकामना टेम्पल है उसके बारे में बता रहे हैं हम। तो आप अदर प्लेस में भी डिजाइन करेंगे तो ऐसे आपको माइनर बात सब मेजर बात सब आपको ध्यान देना पड़ता है। तो ये बात सब देख लीजिए और अच्छा से देखिए और लास्ट तक देखिए, और कोई भी किसी का डाउट रहेगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका टिकट आप इस वास्ते भी कटा सकते हैं, वरना आप गेट खुलता है इसका 8 बजे, 8:30 बजे गेट खुलता है मेन गेट, तो उससे पहले आप भी टिकट कटा सकते हैं बाहर भी। वहाँ पर अगर ई सेवा का आईडी है तो आप भी कटा सकते हैं, वरना आप अंदर जाने के बाद यहाँ पर ऑडिटोरियम हॉल है रिसेप्शन में जाकर आप कटा सकते हैं टिकट। Sometimes a disaster, sometimes we're free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me. Oh, I feel so alive, feel so alive. Boy, I won't close my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. तो केबल कार से आप जा पाएंगे ऊपर तक, तो केबल कार से आपको 10 मिनट टाइम लगता है। आप पैदल भी जा सकते हैं, तो पैदल का जाने का रास्ता अलग है। तो आप पैदल जाना चाहते हैं, माता जी का दर्शन करना चाहते हैं, तो पैदल भी जाकर दर्शन कर सकते हैं, पर आपको 2.5 घंटा से 3 घंटा तक लग सकता है आपको पैदल जाने में। तो देख सकते हैं, ऐसे पार्किंग किया गया है बहुत ही अच्छे से। Feel so alive,
ऐसे आपको डिजाइन करना पड़ता है कि कोई भी आदमी आ रहा है उसको बोर फीलिंग ना हो, ऐसे टाइप का आपको डिजाइन करना पड़ता है। और सिस्टमेटिक बनाना पड़ता है आप सबको कि मैनुअली आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े, ज़्यादा स्टाफ नहीं लगाना पड़े, जिसके कारण से आपको इफिशियंसी ज़्यादा आएगा। देख सकते कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, अगर आप भी आना चाहते हैं तो आकर दर्शन कर सकते हैं। तो आपको नारायण घाट से और काठमांडू का बीच में है, दोनों का बीच डिस्टेंस में है। वाटरफॉल सेट सब और एसेंट टाइम का जो स्ट्रक्चर है उस तरह का आप बना सकते हैं, जिसके कारण से और अच्छा लगे, यूनिक लगे। देख सकते कितना ब्यूटीफुल है। तो ऊपर से देख सकते हैं टहरा टाइप का बनाया हुआ है, जिसके कारण से अगर ज़्यादा धूप लग रहा हो तो धूप से भी बचे रहे और आदमी जो है अपने आप लाइन में भी रह पाए। तो सब चीज़ का आपको बात में ध्यान रखते हुए डिज़ाइन करना पड़ता है। जैसे में कोई भी अशक्त आदमी है या चिल्ड्रेन है या ओल्ड मैन है या सिटीजन है, तो किस तरह से आप करेंगे उस तरह से आपका डिज़ाइन सब चीज़ का माइंड सब चीज़ को डिटरमाइन करते हुए डिज़ाइन करना पड़ता है। तो जैसे देखते हुए मेन यहाँ है एंट्री गेट, यहाँ से हम एंट्री करेंगे और वहाँ पर देख पा रहे होंगे वो माउंटेन है, हंसी सीमेंट सब फोन पे से लिखा है। यही जो केबल कार है, केबल कार के थ्रू ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 10 मिनट लगता है केबल कार से, 3 किलोमीटर है जाने में, 3 किलोमीटर जाना पड़ता है दूर। तो एक केबल कार बना दिए, माउंटेन एरिया में है तो बहुत ही आदमी ज़्यादा आएगा केबल कार पर घूमने और दर्शन करने के लिए भी जाएगा। तो ऐसे ऐसे और भी अगर कोई टूरिस्ट एरिया है उससे थोड़ा डिफरेंट करके अगर आपको टूरिस्ट एरिया बनाना पड़ता है, जिसके कारण से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और ज़्यादा आदमी आए वहाँ पर, जो लगाने लगाए हैं वो उठ पाए। तो ध्यान से देखिए कैसे कैसे डिज़ाइन किया गया है और अट्रैक्टिव बनाया गया है, जिसके कारण से आप सबको कंसेप्ट मिलेगा। तो आप सिविल इंजीनियर है तो आप अपने अनुसार बहुत अच्छे से स्टडी करके डिज़ाइन करिएगा कहीं पर जाइएगा। तो एक बार हमारे दोस्त हैंड शेकिंग कर रहे हैं। तो हम सब कॉलेज से निकले थे टूर पर, तो हम सब जा रहे हैं, हमारे सब दोस्त सब है माता जी का दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये इंटरनल व्यू है, देख पा रहे होंगे कैसे बनाया गया हुआ है यूनिक। तो थोड़ा भी यूनिक हो जाता है तो वहाँ पर बोर नहीं फीलिंग होगा, क्योंकि वहाँ पर तो रेंज में और लाइन में बसने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा यूनिक होगा जब तक आपको बोर नहीं होगा, इधर उधर देखते टाइम पास हो जाता है। तो ऐसे इस चीज़ सबको ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पर आपको टिकट चेक होता है, टिकट चेक होकर आपको कंफर्म किया जाता है आदमी है कि नहीं, केवल दूसरा आदमी है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 20-25% डिस्काउंट मिलता है, अगर आप अशक्त आदमी हैं तो उसको भी डिस्काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ट्रस डिज़ाइन कितना अट्रैक्टिव और गुड तरह से किया गया हुआ है। तो इस ट्रस डिज़ाइन पर भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, ट्रस्ट डिज़ाइन का भी वीडियो मैं बना रखूँगा आप सबके लिए। तो देख पा रहे होंगे केबल कार आ गया है और ऑटोमेटिक डोर ओपन होता है और क्लोज भी हो जाता है, देख सकते हैं। टाइम फिक्स है, अगर आप बैठे तो बैठो, नहीं तो खाली ही केबल कार चले जाएगा।
देख सकते हैं एक और आ गया, तो एक ठो में आपको 6 आदमी बैठ सकते हैं, 6 सीट होता है एक केबल में। तो ये रोपवे हो गया, आप देख पा रहे होंगे कैसे रोपवे डिजाइन किया जाता है, तो इसका भी डिजाइन क्राइटेरिया मैं बताऊंगा। और थोड़ा देख लीजिए, ये वेल है, मेन वेल पर ये जो तार है वही तार नच रहा है, जो उसी के थ्रू ये जा रहा है। केबल कार जो है, ये आपको केबल जो बैठने के लिए जो बनाया था, ये बस टाइप या हॉप टाइप का, ऐसे 34 ठो है अर्थात 34 ठो नंबर है। ये आपको जो वायर वायर जैसे दिख रहा है, इस वायर में क्या होता है, फिक्स क्या होता है, और ये वायर कंटिन्यूअस नाचता रहता है, इसी तरह से ये केबल कार जो चलता रहता है, ये रोपवे हो गया, इसको आप केबल कार भी कह सकते हैं। तो देख सकते हैं ऐसे अट्रैक्टिव कितने अच्छे से बनाया गया हुआ है। तो देख सकते हैं फाइनली हम सब लैंडिंग करने वाले हैं, लैंडिंग करने जा रहे हैं। तो केबल कार से देख सकते हैं ऐसे अट्रैक्टिव व्यू सब देखने को मिलता है, आप सबको देख पा रहे होंगे कितना अट्रैक्टिव और गुड व्यू है। और नीचे से कहीं कहीं पर आपको 4 वे और बस का जाने के लिए बनाया गया हुआ है। Sometimes a disaster, sometimes we are free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me. Oh, I feel so alive, feel so alive. Girl, come close my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Oh, I feel so alive, feel so alive. Girl, come close my eyes. Yeah, I feel so alive. तो देख सकते हैं फाइनली आ गए हैं हम लैंडिंग की तरफ। ऐसे है इंटरनल डिजाइन, देख सकते हैं लैंडिंग करना है, यहाँ पर भी वेल लगा हुआ है, ये जो पड़ा था वेल इसी के थ्रू से ये रोटेट हो रहा था और आ गया है केवल का नीचे, और फाइनली हम सब लैंडिंग कर रहे हैं दोस्तों सब। तो देख सकते हैं ऑटोमेटिक डोर ओपन हो गया है, अब हम सब लैंडिंग कर रहे हैं। फाइनली नीचे आ गए हैं हम सब, देख सकते हैं ऐसे इसमें वेल होता है, कैसे देख लीजिए यही वेल है जिसके कारण से इसको रोटेट किया जाता है और ऑटोमेटिक फंक्शन सेट किया गया है। आपको 15 से 20 सेकेंड नहीं, सिर्फ एक केबल का रुकता है और 15 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिक फिर यहाँ से चला गया। तो ऑटोमेटिक हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ भी आपको नहीं लगाना पड़ेगा, तो जिसके कारण से और भी आपको सेफ होगा और आपको इनकम ज़्यादा आएगा। तो देख सकते हैं ऐसे नीचे जा रहे हैं और यहाँ से आपको 10 मिनट लगता है, वहाँ से पैदल जाना पड़ता है आपको मनोकामना टेम्पल, वहाँ मतलब तो दर्शन करना। देख सकते हैं ऐसे एंट्री कर लीजिए हम सब जा रहे हैं। चलो मिलन जम जम पहले दर्शन कर। नीचे देख सकते हैं मार्बल लगाया हुआ है, तो ऐसे आप मार्बल लगा सकते हैं। और बिल्डिंग सब देख सकते हैं और इससे सब बनाया गया हुआ है, और सब चौड़ा बनाना पड़ता है आप सबको। और टूरिस्ट जगह पर बिजनेस करने वाले आदमियों को भी वहाँ पर कम्फर्टनेस हो और भी संस्था सब भी वहाँ पर रखा जा सके, इस तरह से आपको डिजाइन करना पड़ता है। और उन सब के लिए भी स्पेस वहाँ पर है कि नहीं है, वीजा प्लानिंग करके आप सबको टूरिस्ट एरिया डिजाइन करना पड़ता है। फाइनली मनोकामना मंदिर टेम्पल मेरे आने वाले हैं।
तो माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो बोलिए जय माता जी। तो मनोकामना माता जी का टेम्पल आ गया है, बोलिए जय माता जी, जय मनोकामना माता जी। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से रेलिंग किया गया हुआ है और एक माउंटेन का टॉप में है ये मंदिर, जहाँ से बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव और एस्थेटिक व्यू देखने को मिलता है। और ये रहा माता जी का मनोकामना टेम्पल, और लाखों में दर्शन अभिलाषी सब एक महीना में आ जाते हैं यहाँ पर दर्शन करने। यहाँ पर रेलिंग लगाया हुआ है सेफ्टी के लिए, और यहाँ से आप सेल्फी टान सकते हैं। वरना यहाँ पर यहाँ का अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल नेचर का व्यू आप देखकर मजा उठा सकते हैं। तो ये रहा हमारे मनोकामना मंदिर जी का दर्शन, और यहाँ पर आप सिविल इंजीनियरिंग में आप क्या क्या सीख लिए, और किसी तरह का आपका डिजाइनिंग और टूरिस्ट एरिया में करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करिएगा, और क्या क्या आपने सीखा, और या किसी तरह का इसमें डाउट रह गया तो कमेंट करिएगा। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।